हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पीरियड्स 3 से 4 महीने से नहीं आए तो ऐसी कंडीशन में पीरियड लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या सावधानियां आपको बरतना है, इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं हूँ डॉक्टर बबीता। अगर आपके पीरियड 3-4 महीने से नहीं आए तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या स्टेप लेना चाहिए? अगर आप मैरिड है और सेक्सुअली एक्टिव है, चाहे आप अनमैरिड भी है फिर भी सेक्सुअली एक्टिव है, तो जैसे ही आपका पीरियड डिले हुआ है यानी कि पीरियड की डेट मिस हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म करना है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कि आप प्रेग्नेंट हो गई है, और अगर उसमें एक लाइन आ रही है तो इसका मतलब नेगेटिव, आप प्रेग्नेंट नहीं है। ओके, अब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक वेट नहीं करना है कि मेरा पीरियड क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे में आप कुछ होम रेमेडी को भी ट्राई कर सकते हैं पीरियड लाने के लिए। कई बार होम रेमेडी से भी पीरियड आ जाते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, तो ऐसे में आप ट्रीटमेंट लेके अपने पीरियड को ला सकते हैं। पर जैसे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए और आप लगातार प्रेगनेंसी टेस्ट करते आ रहे हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा से आपका नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाना चाहिए, यानी कि CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट आपका करवाना चाहिए। ये नॉर्मली 250 के अराउंड हर एक पैथोलॉजी में हो जाता है। हीमोग्लोबिन देखना चाहिए कि कितना आ रहा है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डीएल से ऊपर है तो नॉर्मल है, अगर 10 ग्राम पर डीएल से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब आपको ब्लड की कमी हो रही है जिसके कारण आपके पीरियड नहीं आ रहे। तो अगर आपको ब्लड की कमी आती है तो ऐसे में आप आयरन की टैबलेट्स ले सकते हैं, आयरन का सिरप भी आप ले सकते हैं, ताकि हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा तो आपके पीरियड ऑटोमेटिक आने लगेंगे। ऐसे में आप अनार और चुकंदर का जूस भी ले सकते हो, और जितने भी ब्लड बढ़ाने वाली चीजें रहती है जैसे कि खजूर और रेड फ्रूट से जितने भी आते हैं जो कि ब्लड को इंक्रीज करते हैं, उनको आप ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट है कि आप मेडिसिन का यूज करें ताकि आपको जल्दी से रिजल्ट मिले, क्योंकि आप होम रेमेडी तो महीनों तक करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कई फर्क पड़ता है तो 2-3 महीने में जाके आपको पता चलता है। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप मेडिसिन ट्राई करें। ओके, अब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कंटिन्यू आ रहा तो ऐसी कंडीशन में आप पीरियड को लाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो एक तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपकी सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करवा के देखेंगे। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तो हमारे में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं। अगर हम मेडिसिन के बारे में बात करें कि आपको डॉक्टर क्या मेडिसिन दे सकते हैं आप, या कौन सी मेडिसिन लेकर के आपके पीरियड को ला सकते हैं, तो आपको कोई भी मेडिसिन ट्राई करने से पहले डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट होते हैं जो कि किसी किसी पेशेंट को बहुत गंभीर प्रॉब्लम भी दे जाते हैं। पीरियड लाने के लिए अगर हम नॉर्मली मेडिसिन के बारे में बात करें तो जैसे कि हम गाइनासेट, प्राइमल्यू 10 या फिर रेजिस्ट्रॉन 5 mg की टैबलेट्स आती है, यह हम पेशेंट की कंडीशन देख के प्रिस्क्राइब करते हैं। किसी पेशेंट को हम 9 टैबलेट्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, किसी को 10 भी, किसी को 14 भी, किसी को 15 भी। यूज करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, पर जैसे नॉर्मली पेशेंट को हम दे सकते हैं वो 10 टैबलेट होती है, एक स्ट्रिप में ये 10 टैबलेट आती है। जैसे कि आप रेजिस्ट्रॉन, गाइनासेट या फिर प्राइमल्यू 10 की अगर एक स्ट्रिप खरीदेंगे तो उसमें 10 टैबलेट आएगी, जिसमें से सबसे जो कॉमन डोज होता है एक सुबह खाने के बाद, एक शाम को खाने के बाद में आप ले सकते हैं। ये टेबलेट खत्म होने के बाद में 1 हफ्ते तक आपको पीरियड आने का इंतजार करना होता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पीरियड आ जाते हैं। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो तो खत्म हो गई पीरियड ना आने की। तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि मेरे पीरियड 3 महीने से 4 महीने से क्यों नहीं आए थे। ये हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से नहीं आए थे, या फिर मुझे ब्लड की कमी हो गई जिस वजह से नहीं आए, या फिर मेरी हेल्थ में ऐसा क्या इश्यू आ गया जिसकी वजह से मेरे पीरियड डिले हो गए, क्योंकि पीरियड डिले होना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। इसको लेके आपको बहुत सीरियस होना चाहिए,
अगर 2 दिन 4 दिन भी आपका पीरियड डिले होता है तो आपको जरूर से इसके बारे में आप पता करना चाहिए कि मेरा पीरियड क्यों डिले हो रहा है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से पीरियड डिले हो गए, और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अगर आपका पीरियड 1-2 वीक ही डिले हुआ है तो ऐसे में आप होम रेमेडी लेके भी आपके पीरियड को ला सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।